अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ चाइनीज़ बना रहे हैं, एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। और इस व्लॉग में बहुत सारे मज़े की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। यहाँ पे मैं और बाबा शेफ स्किल्स शो करते हुए कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने राइस को बॉयल करके रख लिया है और इनका पानी स्ट्रेन हो रहा है। साथ साथ हमारे फ्राइड राइस के लिए चिकन भी बॉयल हो रहा है और यहाँ पर हम लोग वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे हैं। ब्लैक पेपर, जिसे हम लोग काली मिर्च भी कहते हैं, यहाँ पे मैं वो पीस रही हूँ राइस के लिए, बिकॉज़ मेरे वाली ख़त्म हो गई थी, एम्प्टी था जार, इसलिए सेकंड टाइम हम लोग इसे पीस रहे हैं। रात को हमने बनानी है बीफ बोटी, बीफ टिक्का बोटी। उसके लिए बीफ को अभी से हम लोग गला लेंगे ताकि रात को आसानी हो जाए। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बीफ लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के उसे करके हम इसका वाटर ड्राई कर लेंगे मीट का। इसके बाद इसके अंदर वाटर ऐड करके इसे हम लोग कुक कर लेंगे गलने तक। बीफ को गलने में थोड़ी सी देर लगती है, इसलिए हम इसे पहले से रख लेंगे ताकि रात को इजीली हमारी बन जाए। साथ साथ खाने के साथ साथ इसे रख दिया था और ये तब तक हमारा सॉफ्ट हो गया था। यहाँ पानी डाल के इसे हम लोग रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक ये कुक ना हो जाए अच्छे तरीके से। साथ ही यहाँ पे हम लोग मंचूरियन के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे, इससे चिकन थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, मंचूरियन के अंदर बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों चीज़ों की, मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस की, मैंने डिटेल रेसिपी आपसे शेयर की हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी और आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। मैंने कम्प्लीट चाइनीज़ मेन्यू भी शेयर किया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारी चाइनीज़ डिशेज़ हैं, आप लोग दावत पर बना सकते हैं किसी भी पार्टी वगैरह पर, तो आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर कैरेट्स और मटर डाल के इन्हें अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी, क्योंकि मटर और गाजर को थोड़ा सा देर लगे उसे हार्ड होते हैं, इसलिए जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर अनियंस ऐड कर दूँगी। बेसिकली इसके अंदर ग्रीन अनियंस ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे क्योंकि समर सीज़न है, इसलिए अब मैं इसके अंदर कैप्सिकम और कैबेज डाल दूँगी, चॉप्ड है ये सब कुछ। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, जो अवेलेबल थी यहाँ पर मैंने वही ऐड की है इसके अंदर। बाकी उसके अंदर मैं श्रेडेड चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने चिकन बॉयल कर लिया था, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे इसे फ्लेवर देने के लिए ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। लेकिन अगर आप लोग चिकन पाउडर ऐड करेंगे तो आप लोग सॉल्ट को अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इसके अंदर पहले से सॉल्ट होता है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और होपफुली मैं आपसे डेली वीडियो शेयर करूँगी और बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किया करूँगी कुकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर बॉयल्ड राइस डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, आहिस्ता से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूट ना जाएँ और वेजिटेबल्स भी साथ साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। मैं स्क्रैम्बल एग्स ऐड करके इसके अंदर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो बकरा ईद प्रिपरेशंस की होगी, तो आप लोगों ने इसे मस्ट वॉच करना है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो मैं एग्ज़ाम्स के बाद फ्री थी और मुझे कुकिंग का शौक भी था, बेकिंग एंड लर्निंग का, इसीलिए मैं यहाँ पर मामा की हेल्प कर रही हूँ किचन के अंदर और मैं आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर किया करूँगी क्विक एंड ईजी टीनेजर्स के लिए। है ना, हमने इन्हें कुक रख दिया, थोड़ा सा हल्का हल्का आप लोग मिक्स कर लें। हमारे राइस बहुत ही प्यारे और कलरफुल से थे, बिल्कुल भी स्टिक नहीं किए थे और बहुत अच्छा बैलेंस इनका स्पाइस था। से मैंने चिकन मंचूरियन के साथ सर्व किया था और ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा डिटेल रेसिपीज वॉच करके और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये जो हम लोगों ने लंच कर लिया था, उसके बाद शाम की वीडियो है। यहाँ पर मैं मैंगोज वॉश कर रही हूँ और उन्हें पील करके क्यूब्स में कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैंगो डेजर्ट की रेसिपी। ये बकरा ईद पर भी आप बना सकते हैं, वैसे किसी पार्टी पे घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा डिज़र्ट है। मैंगोज़ को क्यूब शेप में कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मिल्क लिया था, इसे हम लोग बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये नेशनल वनीला कस्टर्ड से बना रही हूँ, नॉट अ प्रमोशन वीडियो। यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून कस्टर्ड का डाल के 1/2 कप मिल्क के अंदर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और दूध को भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखनी है। आप लोगों ने जिसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है, वो जो दूध है वो हॉट नहीं होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, मतलब ठंडा आप लोगों ने दूध लेना है। यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो चुका है। और ये शुगर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। यहाँ पे मैं 1 कप शुगर थी,
इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होने देंगे। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम लोग अपना प्रिपेयर्ड कस्टर्ड मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो क्लिप मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं वन हैंड से शूट कर रही थी एंड वन हैंड से ऐड कर रही थी। यहाँ पर देखें हम ग्रेजुअली इसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी रेडी नहीं किया, हमेशा से मामा रेडी करती हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा आया था। यहाँ पे हमारा मिक्स हो गया है, इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे और एंड में इसे हम लोग कवर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसे फ्रिज या फ्रीज़र में रखेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो फ्रिज है या फ्रीज़र है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे वो अच्छी तरह से रेडी हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ठीक थी। आप लोग कोई सा भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, बनाना कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड, मैंने वनीला यूज़ किया था। यहाँ पे हम इसे ढक के रख देंगे। हमने जो बीफ की बोटी गला ली थी दोपहर के टाइम, अब उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करके उसे मैरिनेट करके फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने 30 मिनट तक मैरिनेशन रखनी है। इसके अंदर हमने हाफ़ टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर मतलब हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है लेमन जूस और कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। सॉल्ट ऐड नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने इसे जब इसे गलाया था, इसे सॉफ्ट किया था मीट को, तब हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए अब हम नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया था। यहाँ पर हम इसे फ्लेम पर कुक कर लेंगे ऑयल में, सॉरी फ्राई कर लेंगे ऑयल में। यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए और हम इसकी साइड 2 मिनट्स के बाद चेंज करेंगे, अदरवाइज़ की कोटिंग रिमूव हो जाएगी। इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे जब तक इसकी ऊपर से कोटिंग ये क्रिस्पी भी हो जाए। ये बहुत अच्छे टेंडर थे, बहुत टेंडर हुए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। ये हमने डिनर के अंदर रेडी किए थे। इसे आप लोग केचप या चटनी या रायता जो भी आप लोग लाइक करें उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये अंदर सॉफ्ट भी थे, हमारा मीट भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका था, बिल्कुल भी रो नहीं था और ना ही स्मेल थी इसके अंदर। स्पाइस भी बिल्कुल बैलेंस थी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये बकरा ईद मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग भी इसे बकरा ईद पर तैयार किएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। जब तक हम लोगों ने अपना मीट कुक किया तब तक हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया और यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मैंगो क्यूब्स ऐड कर दूँगी ग्लासेस में, बोटा में मैंगो क्यूब्स ऐड कर देंगे। ऊपर से हमारा जो चिल्ड कस्टर्ड है वनीला कस्टर्ड उसे ऐड करके सर्व करूँगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आइडिया भी अच्छा था, इस तरीके से आप लोग गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं या किसी भी दावत वगैरह में बना के इस तरह से सर्विंग आप लोग सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मैंगो की स्ट्रिप्स कट कर ली थी, उसे मैं यहाँ पे डेकोरेट कर लूँगी। डेकोरेशन भी आप पसंद से कर सकते हैं, आप लोग ऊपर क्यूब्स भी डाल सकते हैं या फिर मैंगो की जगह आप लोग पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर मैं चॉप नट्स डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर लें वरना इसे स्किप कर दें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।